हिमाचल प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों व संस्थानों को पूरी फीस लेने के लिए अधिकृत करने के निर्णय के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय शिमला में प्रदर्शन किया। मंच ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए व निजी स्कूलों द्वारा छात्रों व अभिभावकों की पूर्ण फीस वसूली में की जा रही मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाई जाए। छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों व संस्थानों को पूरी फीस लेने के लिए अधिकृत करने के निर्णय के खिलाफ शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया। मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया कि अगर प्रदेश सरकार ने पूर्ण फीस वसूली के निर्णय को जबरन लागू करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। शिक्षा निदेशालय के बाहर मंच के सदस्य एकत्रित हुए और लगभग एक घंटे तक प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग और निजी स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारी निजी स्कूलों की लूट व खुली मनमानी के खिलाफ आंदोलनरत रहे। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने शिक्षा निदेशक को चेताया कि अगर उन्होंने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक नहीं लगाई तो आंदोलन तेज होगा। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि आंदोलन की अगली रणनीति के तहत 9 दिसंबर को शिक्षा निदेशक कार्यालय का घेराव होगा। उन्होंने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 6 लाख छात्रों के 10,000 अभिभावकों सहित कुल 16 लाख लोगों से निजी स्कूलों की पूर्ण फीस उगाही का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की है। विजेंद्र मेहरा ने पूर्ण फीस वसूली पर कैबिनेट के निर्णय को बेहद चौंकाने वाला और छात्र व अभिभावक विरोधी निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के आने के बाद निजी स्कूलों ने छात्रों व अभिभावकों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों व संस्थानों ने दोबारा से छात्रों व अभिभावकों को पूर्ण फीस जमा करने के लिए मोबाइल मैसेज भेजना शुरू कर दिए हैं। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि इन मैसेजेस से उन्हें डराया व धमकाया जा रहा है कि अगर पूर्ण फीस जमा ना की गई तो छात्रों को ना केवल संस्थानों से बाहर कर दिया जाएगा बल्कि उन्हें परीक्षाओं में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अनेकों उदाहरण प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार से मांग की कि पूर्ण फीस वसूली के निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। जिस तरीके से निजी स्कूलों को खुली छूट दी है सरकार ने, वो छूट इस लेवल की है कि हिमाचल हाई कोर्ट ने कभी इस बात को नहीं कहा कि ट्यूशन फीस के अलावा जो विभिन्न तरह के चार्जेज हैं, चाहे वो कंप्यूटर फीस है, चाहे वो एनुअल चार्जेज हैं, चाहे वो स्मार्ट क्लासरूम है, केयर चार्जेज हैं, किसी भी तरीके के जो चार्जेज हैं, उनको लेने की कभी भी हिमाचल हाई कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद भी निजी स्कूल हिमाचल हाई कोर्ट का हवाला देते हैं और प्रदेश सरकार के ऑर्डर का हवाला देते हैं और पेरेंट्स को मोबाइल संदेश भेजकर जो है प्रताड़ित करते हैं मानसिक तौर पर कि वो पूरी की पूरी फीसें जमा करने के लिए पेरेंट्स के ऊपर एक दबाव बनाते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर 10 तारीख तक यानी 10 दिसंबर तक जो है पूरी की पूरी फीस ना दी गई चार्जेस सहित, तो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से बाहर कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, उनके रिजल्ट्स जो निकाले नहीं जाएंगे। ये अपने आप में संविधान का जो मूल उद्देश्य है, संविधान की जो व्याख्या है, संविधान जो है उसके अंदर जो 39F जो अनुच्छेद है, नैतिक और भौतिक जो अधिकार हैं छात्रों के और अभिभावकों पर, उनकी भी खुली उल्लंघना है। और इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं, जब बच्चा स्कूल नहीं गया, कंप्यूटर को टच तक नहीं किया, जब जो है किसी तरीके की वीयर टीयर नहीं हुई स्कूल के अंदर, कोई पॉलिश पेंट नहीं लगा स्कूल के अंदर, कोई सुविधा इस्तेमाल नहीं हुई, स्मार्ट क्लासरूम को इस्तेमाल नहीं किया, किस बात के चार्जेज ये स्कूल मांग रहे हैं? और लगातार जो ये दबाव बना रहे हैं, सरकार इनके दबाव में है, सरकार इनके साथ मिली हुई है, पेरेंट्स जो हैं बड़े पीड़ित हैं। लगभग 16 लाख हिमाचल की जनसंख्या का जो 20% हिस्सा है वो निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और अभिभावक हैं। ये सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।